Bismillahir Rahmanir Rahim. From today onwards, we'll start learning reading skills. And reading skills are mainly focusing on skimming and scanning, intensive and extensive reading. So you can look at my presentation. And in today's lesson, we'll be learning how to skim and how to scan the given passage, how we have to read. Due to shortage of time, we have to adopt certain speed reading strategies. Skimming and scanning are one of the most important reading strategies that can be adopted for this purpose. And how we have to do it is that we'll learn in this lesson. So first, before talking about skimming and scanning, I need to talk about reading. So what is the reading? So already I have highlighted the points related to reading on my slides, but I would request you to give me the meaning of reading. What is your opinion about reading? Can I get the idea from you people? Can I get the idea from people in my class, Sadaf Chaudhary? Can you tell me about what is reading? What is your opinion about reading? Sir, may I tell? जी आली अहमद बताइए जी सर वोकलाइजिंग द स्क्रिप्ट और रिटन पैसेज ओके वोकलाइजिंग द स्क्रिप्ट और रिटन पैसेज सो व्हाट हैपेंस इन रीडिंग बेसिकली रीडिंग इज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेस योर आईज रिसीव द सिग्नल्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स एंड वर्ड्स एंड देन योर ब्रेन प्रोसेसेस इट एंड इट इंटरप्रेट्स द मीनिंग So this is basically a reading is basically a process in which your brain is involved. So you have to look at a series of written symbols and you have to get a meaning from them. Sometimes these written symbols are based on alphabets and sometimes they are not based on alphabets. You can look at the picture. There is an emoji. You can get an idea from that emoji also. बाज़ दफ़ा लिखी हुई सूरत में भी होते हैं अल्फ़ाबेट्स की बाज़ दफ़ा इमोजी की सूरत में होते हैं तस्वीरों की सूरत में होते हैं सो इन डिफरेंट वेज वी रीड बट इन दिस क्लास वी विल बी रीडिंग थ्रू सिंबल थ्रू अल्फ़ाबेट्स थ्रू वर्ड्स सो व्हेन वी रीड व्हाट वी डू बेसिकली एज इट इज़ अ प्रोसेस एंड इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स वी यूज आवर आईज टू रिसीव रिटन सिंबल्स एंड दीज रिटन सिंबल्स आर बेस्ड ऑन लेटर्स पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेसिस दीज थ्री थिंग्स जो कुछ लिखा हुआ है अब हम उसको पढ़ने की जानिब जा रहे हैं राइटिंग की हमने प्रैक्टिस की वी हैव रिटन एन एप्लीकेशन वी हैव रिटन अ सीवी वी हैव रिटन एन एसे वी हैव रिटन अ पैराग्राफ वी हैव रिटन थीसिस स्टेटमेंट वी हैव रिटन टॉपिक सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस एंड सो ऑन एंड सो ऑन नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी हैव टू रीड द थिंग्स सो वी हैव टू रीड द थिंग्स बेसिकली वी हैव टू रीड लेटर्स वी हैव टू रीड पंक्चुएशन मार्क्स एंड स्पेसिस ठीक है स्पेसिस जो दिए होते हैं उससे भी अंदाजा होता है कि ये एक वर्ड है अब दूसरा वर्ड है पंक्चुएशन मार्क्स से पता चलता है कि ये इसके अंदर क्या एक्सप्रेशन दिया जा रहा है इफ देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इट इंडिकेट्स दैट द राइटर इज आस्किंग अ क्वेश्चन एंड इफ देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इट मींस दैट दिस इज व्हाट एन इंटरजेक्शन ओवर देयर सो वी हैव टू यूज आवर ब्रेन टू कन्वर्ट दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स दीज लेटर्स बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट दैम जो रिटन सिंबल्स होते हैं उनको हम वर्ड्स में सेंटेंसेस में पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके एंड देन वी गेट टू नो अबाउट सम आइडिया बेसिकली व्हाट द राइटर इज कम्युनिकेटिंग विद अस सो सिंपली दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स सो इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स वी रिसीव रिटन सिंबल्स एंड आवर ब्रेन प्रोसेसेस इट इनटू वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स And then it provides us a communication, provides us a meaning. What is the meaning given in any paragraph? ठीक है मतलब क्या बताया गया इसके अंदर वो words and phrases sentences के जरिए आपको पता चलता है Then look at this news. So there are two important strategies as I told you earlier. The first one is skimming and the other is scanning. That we are going to scan something. We are going to scan the given text. So what we have to do? When we are given a newspaper to read, so what we do, whether we skim to find out what it is all about, means we have to look at two things when we want to know what it is all about.
look at the newspaper article. This is just a piece of a script taken from a newspaper article, and this is indicating that cat up a tree, chimp in a chimney. So you can look at the picture and you can look at the title, and headings and pictures can just give you that what this story is about. Is news ke andar usne kya kaha. So usually we read in different ways. We most of the time we do not read every word, and sometimes we have to leave bits out. Sari ki sari cheezein baaz dafa nahi padhni hoti. Look at the one jo maine aapke samne rakhi. Sometimes when you are reading newspaper, you just read the headlines and then headings given in the newspaper and then leave it and then go to any other. So interest matters a lot. ठीक है, जैसे for example आपके लिए जी के foundation university ने exam जो है उसका schedule change कर दिया. ये बड़ी सारी खबर है, आप फौरन उसको देखेंगे, सारी की सारी पढ़ेंगे, skim भी करेंगे, scan भी करेंगे. यहाँ लिखा हुआ है foundation university announced the exam schedule, बस जस्ट इतना लिखा हुआ, अब वो सारी आप पढ़ेंगे, ढूंढेंगे कब से शुरू हो रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं. यू विल रीड ऑल द थिंग्स, यू हैव टू स्कैन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज स्कैनिंग. बट स्किमिंग क्या, सिर्फ जस्ट आपने देखा जी एक उसमें आपकी इंटरेस्ट थी तो आपने आगे पढ़ा. सो फर्स्ट प्रोसेस इज दैट यू स्किम फॉर द हेडिंग्स, यू स्किम फॉर द पिक्चर्स, यू स्किम फॉर टू गेट एन ओवरव्यू, जस्ट गेट एन आइडिया कि इसके अंदर क्या है. जैसे मैंने एक मिसाल दे दी आपको कि उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी हैज़ अनाउंस्ड द एग्जाम शेड्यूल, सो यू हैव स्किम्ड इट, और दैट स्किम फर्दर फॉलोज टू स्कैनिंग, कि चूंकि एज यू आर कंसर्न विद द एग्जाम, सो डेफिनेटली यू विल लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट न्यूज कि कब से शुरू रहे, कब खत्म हो रहे, एंड देन यू विल मेनली फोकस ऑन बी ए साइकोलॉजी एग्जाम शेड्यूल, बाकी को नहीं देखेंगे. So that is what you are going to scan for specific information, important information, the information that you need. ठीक है, आप उसको पढ़ेंगे. So you can look at this example. 620 animals last year. The fire crews in the capital had to help 620 animals last year. Unusual rescues. So these two words are important that we have found after scanning it. जबकि जब आपने सिर्फ हेडिंग पढ़ी तो उससे सिर्फ आपको ये पता चला कि इस खबर में क्या दिया हुआ है, क्या बात की गई, क्या खबर बयान की गई है. ठीक है, ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं रीडिंग की स्ट्रेटजीज के जो कि आप अडॉप्ट करते हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं. इसके अलावा भी हम दो और भी देखेंगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, बट दैट विल बी डन लेटर ऑन व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज टू स्ट्रेटजीज इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. So let's move on. Skimming and scanning, as these are two reading strategies. So these two strategies will help you to find information easily and quickly, and to answer reading comprehension questions. Exam के अंदर आपको reading comprehension के सवाल दिए जाते हैं, तो आप उनके जवाब देने के लिए दो strategies को adopt करते हैं. लंबा passage आपको दे दिया जाता है, time आपके पास थोड़ा होता है, and you have to find out the important information in it, and you have to give the answers. Okay, you have to do skimming and scanning, and today we'll practice it after this lesson, and inshallah at the end of the lesson we'll be having an exercise. So jab aap skim karte hain to, so you are basically reading through a passage to find out a piece of writing to see what it is about, ki ye kya hai, means just a general idea aap lete hain. Scanning se aap sawalon ke jawab dhoondte hain. If you are going to find out some answers, कि यार इसमें ये अल्फाबेट कितनी दफा, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ क्वेश्चन, एक पैसेज आपको दिया जाता है, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस. सो आप हर चीज को छोड़ते जाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो चीज लगी होगी, यू विल टॉक अबाउट दैट दिस इज अ वर्ब, सो यू विल स्टार्ट स्कैनिंग इट. ठीक है, दिस इज स्कैनिंग, ये जो स्कैनर लगा के तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, एंड दिस इज स्किमिंग, कि आप सिर्फ आई से देख रहे हैं लेकिन स्कैन कर रहे हैं, जब स्कैनर लगा के एक चीज को, खास चीज को ढूंढ रहे हैं. यू नो व्हेन यू गो टू द एयरपोर्ट्स और व्हेन यू पास थ्रू यूनिवर्सिटी गेट्स, तो वहाँ पे भी वो मेटालिक स्कैनर्स लगे होते हैं, वो स्कैन करते हैं, टी टी की आवाज़ आती है. सो दे स्कैन फॉर स्पेसिफिक थिंग, एंड रीडिंग यू हैव ऑल्सो टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक थिंग, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. वो क्वेश्चन जो आपको लास्ट पे दिए जाते हैं, यू हैव टू स्कैन फॉर दोस,
उसको आपने ढूंढना होता है ना, देखना होता है कि यार इसमें अब आगे क्या बात है, क्या हमारे साथ जो है वो थिएटर चल रहा है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। व्हाट इज स्किमिंग? सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज स्किमिंग? स्किमिंग कोई बता सकता है आप में से स्किमिंग क्या हुआ है, किस बला का नाम है जी, क्या चीज है ये? हाँ जी बोले। सर, फर्स्ट ग्लैंस में किसी, मतलब किसी चीज से आइडिया लेना, किसी चीज को देख के उससे आइडिया लेना, उसको पूरा पढ़ना नहीं, मतलब उस जिस तरह स्कैनिंग है, स्कैनिंग में हम पूरा रीड कर लेते हैं उसको, सही करते हैं, और स्किमिंग में जो है हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। यस वी डू नॉट रीड फॉर डिटेल्स वाइल स्किमिंग। हाँ बोले सर, बताए। एक दो लाइंस पढ़ आइडिया लेते कि स्किमिंग में हम ये करते हैं कि पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन में भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस पैराग्राफ में था क्या। यस एंड सदफ आप क्या कह रहे हैं? गुड शाबाश। सर मैं कह रही थी कि मतलब स्टार्टिंग लाइन कुछ पढ़ के आइडिया लेना कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया। फिर करता और यही काम। हूँ यस अब इसमें आना बताएं नासिर महमूद बताएं। बोले बोले हैं ये नासिर महमूद, किसकी आईडी है? बोले ना, चुप हो गए हैं। हाँ जी बोलिए नासिर महमूद, बोलिए दोबारा बोल दिया सर। बोलिए आवाज सर, आ रही है। जैसे कोई नोवेल पढ़ रहा होता है तो पिक्चर देख लेते हैं, तो सर जैसे कोई नोवेल पढ़ रहा था तो उसका फर्स्ट पेज पिक्चर देख लेते हैं या फिर लास्ट में जो समरी होती है वो पढ़ लेते हैं, तो हमें पूरा पढ़ना नहीं पड़ता। यस गुड दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स फाइन। ठीक है यही चीज मैं जानना चाहता हूँ। अब देखें नहीं एक्चुअली मेरा जिस तरह आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है मेरा भी इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, बट मैं क्लास से भाग नहीं जाता ना, आप लोग भाग जाते हैं, मैं भाग नहीं जाता, बस इतना सा फर्क है। ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है हम इसको लेके आगे बढ़े, बिकॉज यू हैव टू वर्क नाउ, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। सो लेट लेट मी टॉक अबाउट दोज थिंग्स। So here in this slide you can look that basically skimming is one of the technique of fast reading. So it is the act of glancing through a text for gathering a basic idea about the text. So you can look at the picture that you have to search for clues like title, section heading, another heading. For example, if you want to read an interesting article on the newspaper and you do not have enough time to read more then one article, you will skim through most of the article to decide exactly which article you want to read. Skimming में क्या होता है, not only newspaper, when you are going to conduct your research, when you are going to write your research paper, research project, especially जब आप thesis वगैरह लिखने जाएंगे BS के अंदर last में, so there you have to adopt this strategy, you have to adopt this technique, कि वहाँ पे आप क्या करते हैं, first आप title देखते हैं कि ये research article के इसका title क्या है, then you talk about it, abstract, abstract से आप देखते हैं पूरे का पूरा आपको आइडिया मिल जाता है, स्कैन कर जाते हैं, ठीक है इट्स ओके। अगर ओके है सो देन यू स्कैन, यू स्टार्ट स्कैनिंग, यू स्टार्ट स्कैनिंग फॉर द इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प यू इन राइटिंग योर लिटरेचर रिव्यू, दैट कैन हेल्प यू इन योर रिसर्च। आप फिर वो चीज़ें ढूंढते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले स्किम करते हैं। फास्ट रीडिंग की पहली टेक्निक ये स्टार्ट होती है, स्किम करके चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद इट विल सेव बेसिकली योर ग्रेट अमाउंट ऑफ योर टाइम इफ यू नो हाउ टू स्किम अ टेक्स्ट एफिशिएंटली। किस तरह स्किम करना है अगर आपको ये पता हो ना, तो फिर आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है। पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़ा आपने, पहला पैराग्राफ पढ़ा, आखिरी पढ़ा, और हर पैराग्राफ के जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपने पढ़े, सो यू गॉट अ वेरी क्लियर आइडिया कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ है, क्या भला इसने दे दी है, क्या लिखा है इसने, आपके काम किए, फिर आप स्कैनिंग शुरू करेंगे। सो टू सी वॉट इज इन द न्यूज़ ऑन अ वेबसाइट और ऑन अ पेपर, इसलिए इसके लिए आप स्किमिंग करते हैं। यू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड देन यू स्किम, देर आर मैनी न्यूज गिवन देयर, बट यू स्किम एंड यू स्किम फॉर द न्यूज दैट इज रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू एग्जाम शेड्यूल्स, रिलेटेड टू रिजल्ट्स, रिलेटेड टू फी स्ट्रक्चर एंड थिंग लाइक दैट, जो आपसे रिलेटेड हो, वरना फंक्शंस हो रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम्स हो रहे हैं,
एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, लेकिन आप अपनी चीज को ढूंढते हैं. सेम इज द केस दैट यू लुक थ्रू अ टेक्स्ट टू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू रीड इट और नॉट. एज आई टोल्ड यू दैट यू आर रीडिंग, यू आर गोइंग टू स्किम द रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, यू आर गोइंग टू स्किम द बुक. जैसे मैंने आपको बताया ना दैट यू हैव टू ऑफ द बुक ऑफ योर चॉइस फॉर बुक रिव्यू, कि आप अपनी मर्जी की किताब बुक रिव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे. ये बात मैंने की थी आपसे. सो वट डिड यू डू, आपने पहले स्किम किया, यार ये किताब ठीक है, आपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट देखे, जस्ट लुक एट द बुक एंड टेबल ऑफ कॉन्टेंट, बस उसको डिसाइड कर दिया आपने स्किमिंग की. फिर देन आफ्टर दैट यू विल स्कैन कि यार मैंने जो बातें बतानी है वो ढूंढूँ इसमें से, मैंने क्या बताना. सो टू लुक थ्रू द टेलीविजन गाइड प्रोग्राम शेड्यूल टू प्लान योर इवनिंग, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि आप जब उसको देखते हैं यू जस्ट स्किम इट कि यार ये बस ठीक है. कैटलॉग देख के आप ऑफर चूज करते हैं. टू गो थ्रू ऑप्शंस आफ्टर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल, कुछ ढूंढते हैं तो वहाँ पे भी आप सारी चीज़ों को सरसरी नज़र जो दौड़ाना होता है ना, आप टाइटल देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये मेरे काम की है कि नहीं है. सो दीज आर डिफरेंट पर्पजेस के इनके लिए जब आप स्किमिंग करते हैं. सो हाउ स्किमिंग इज डन, हाउ यू हैव टू डू इट. So let's see who is going to read this paragraph. I'm going to awaken somebody from the class, and I'm sure Maima is awake and she is going to read this slide. Maima Zeb Khan, aap please ye wali slide padhiye. Maima is साइलेंट, शायद उनका वो उन्होंने म्यूट किया हुआ उसको. अलीजा आप पढ़ें जी, स्लाइड को पढ़ें. दे प्रपोजल्स पैराग्राफ, दे गिव द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ. आफ्टर यू हैव रीड इट इन टर्न टू अस एंड ड्रॉप डाउन टू द एंड ऑफ द पैराग्राफ, लुकिंग फॉर अगेन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल नेम. So what you have to do, how you have to skim. First, you have to look at the title section, title, then section heading, then another heading, then body, and then you have to go for the last paragraph. Means that you have to read first paragraph very carefully because that is an introduction. As we have learned earlier, when while writing an essay. सो वहाँ पे जब आप अच्छा लिखेंगे तो स्किमिंग भी अच्छी होगी, ठीक है. सो रीड द फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ, सम टाइम्स सेकंड सेंटेंस, तो उससे मेन आइडिया पैराग्राफ का मिलता है. और उसके बाद जब पहले सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप फिर ड्रॉप डाउन होते हैं, एंड तक जाते हैं, लास्ट पैराग्राफ को आप बड़ी तवज्जो से पढ़ते हैं. सो इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिलता है. सो लुक एट दिस दैट व्हाइल स्किमिंग द रीडर कैन गेट द आइडिया वेदर दिस थिंग शुड बी रेड फॉर स्कैनिंग और नॉट. क्या ख्याल है, जब आपने ऐसे राइटिंग सीखी, सो इफ यू हैव डन योर वर्क लाइक दिस व्हाइल राइटिंग योर एसे, अगर आपने इसी तरह लिखा हो तो पढ़ने वाला इस तरह पढ़ता है चीज़ों को. स्किमिंग एंड स्कैनिंग, स्किमिंग करता है, स्किमिंग से उसको पता चल जाता है कि इसने क्या लिखा हुआ, मेरे काम की चीज़ें हैं कि नहीं, या मैं इसको फेंक दूँ. एग्जामिनर आल्सो रीड्स लाइक दिस व्हाइल रीडिंग आंसर शीट्स, स्किमिंग करेगा, आइडिया उसको मिल जाएगा. इफ ही हैज गॉट शॉर्ट टाइम सो ही विल डू लाइक दिस, ठीक है, इसी तरह वो लेके चलेगा. जब आपकी चीज़ें ठीक हैं, आपने हर सेंटेंस इस तरह ठीक लिखा हुआ है, डेफिनेटली ही विल स्टार्ट स्कैनिंग फॉर द इंफॉर्मेशन कि यार इसने ये बात तो लिखी है, कहाँ लिखी है, फिर क्या लिखा, ठीक है. मैंने जस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट दीज थिंग दीज स्ट्रैटेजीज कैन बी अप्लाइड एनी वेयर वैन यू आर गोइंग टू राइट, वैन यू आर गोइंग टू रीड. रीडिंग में आपने वही काम करना है जो आप लिख रहे थे पहले, तो आप को दूसरे तरीके से बताया कि आप इस तरह लिखेंगे. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू रीड, सो यू हैव टू रीड लाइक दिस, अटेंटिवली रीडिंग फर्स्ट पैराग्राफ, देन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच बॉडी पैराग्राफ, देन रीड द कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग पैराग्राफ. दैट विल गिव यू एन आइडिया कि इस एसे के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है. सो लेट्स सी दैट हाउ स्किमिंग प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है. स्किमिंग का प्रोसेस किस तरह चल रहा है इसके बारे में. स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही है, मैं क्या करूं? ऐप पर डाउनलोड करने प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर ले. ओ मामा, लेफ्ट करके दोबारा एंटर करोगी तो आ जाएगी. हां, उस तरह भी कर ले, नहीं तो डाउनलोड करने प्रेजेंटेशन उसको लैपटॉप पे चला ले, नहीं तो
रिस्टार्ट दोबारा दोबारा वो करूंगी तो फिर सर कहेंगे आपने लेफ्ट ना, किया है। ऐसा नहीं है। देखें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपकी अटेंडेंस की पूरी बार बनी हुई थी, आपने वो लिंक देखा नहीं था, पूरी बार बनी हुई थी, वो लेफ्ट वाली वो बात नहीं थी, पूरी बार पे शो हो रहा था कौन किस वक्त आया किस वक्त गया, ठीक है। सो कोई ऐसी बात नहीं है, वो लेफ्ट तो का जो था। डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ बिल्कुल जरूर करें, जब आपको स्क्रीन नजर नहीं आती आप कनेक्ट डिस्कनेक्ट करते रहें, कोई इशू नहीं है। जो लोग आके हाजिर होके चले जाते हैं ना उनका पता चल जाता है, वो ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे अलीजा खान तनोली केम इन क्लास एट 12:30 एंड शी लेफ्ट द क्लास एट 12:30 और उसके बाद फिर वापस ही नहीं तशरीफ लाए। पूरी बार में वो हाजिर तो होगी, एंट्री तो होगी क्योंकि वो आई थी। मैं चली गई थी, मैं आई थी और उसने फोन किया। एक मिसाल के तौर पे बोला मैंने। एग्जांपल दे रहे हैं। जी मरियम, आप ये स्लाइड पढ़ें प्लीज। मरियम आप छोड़ें इन लोगों को, आप ये स्लाइड पढ़ें प्लीज। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी हुई है ना कि मैंने क्लास ली है। बस अगर उधर लगी होगी सर, नहीं लगी है सर, इसका नाम ही नहीं वहां पे आ रहा। आएगा, अभी आएगा ना। सर इससे बिना जी मेरे पास शो हो रहा है आपका अराइव 12:32 पे आप आए और 12:59 तक आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सारी डिटेल। डोंट वरी वो ईमेल एड्रेस आज का शो हो रहा है ना, पिछली क्लासेस का नहीं हो रहा। चले पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा उसको। ओके प्लीज रीड दिस स्लाइड प्लीज। करें जी करें। What is capitalism? The word capitalism is now commonly used to describe the social system in which we now live. It is also often assumed that it has existed, if not forever, then for most of human history. In fact, the capitalism is relatively new social system. For a brief historical account of how capitalism came into existence a couple of hundred years ago, see Marx and Engels Communist Manifesto. But what exactly does capitalism mean? So just a minute. So you can look at the first paragraph that the writer has given all the important information over there. So we are passing through skimming process and we have to attentively read the first and the last paragraphs. That's why I've underlined these two paragraphs. कि उसने पहले में कैपिटलिज्म को ही इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ओके प्लीज रीड द नेक्स्ट वन। हाँ मैम आगे पढ़ें। Class divisions. Capitalism is the social system which now exists in all countries in the world. Under this system, this means for producing and distributing goods, the land, factories, technology, transport systems, etc. are owned by a small majority of people. We refer this group of people as the capitalist class. The majority of people must sell their ability to work in return for a wage or salary, who we refer to as the working class. Working class, आगे पढ़ूं सर? Yes, carry on please. Working class are paid to produce goods and services which are then sold for a profit. The profit is gained by the capitalist class because they can make more money selling what we have produced than we cost to buy on the labor market. In this sense, the working class are exploited by the capitalist class. The capitalists live off the profits they obtain from exploiting the working class, whilst reinvesting some of their profits for the further accumulation of wealth. The profit motive. In capitalism, the motive for producing goods and services is to sell them for profit, not to satisfy people's needs. The products of capitalist production have to find a buyer, of course, but this is only incidental to the main aim of the making a profit, of ending up with more money than was originally invested. This is not a theory that we have thought of, but a fact you can easily confirm yourself by reading the financial press. The capitalist calculate can be sold at a profit. Those goods may satisfy human needs, but those needs will not be met if people do not have sufficient money. So while skimming, you have to adopt this strategy, these techniques, that first you have to read the paragraph, first paragraph very carefully. Then you have to read the first lines of topic sentences of each body paragraph, and then you have to look for the concluding paragraph. So you will get an overview of the entire essay. उससे आपको सारे का सारा पता चल जाता है, आपको कोई मजीद परेशानी नहीं होती। बट इन द सेम वे, अगर यहीं पे आपको एक क्वेश्चन दे, फॉर एग्जांपल
इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन टू राइट डाउन द नाउन्स अवेलेबल इन दिस पैराग्राफ इन दिस एसे इन दिस आर्टिकल ठीक है इफ आई आस्क यू टू लुक फॉर द नाउन फ्रेजेस इफ आई से नाउन फ्रेजेस नाउन और नाउन फ्रेजेस प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेजेस वर्ब और वर्ब phrasal verbs or if I say that you have to write down adjective phrases so then you have to scan it फिर आपने उसके ऊपर वो स्कैनर लगा के आपने उसको एनेक्स से देखना है ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट यू हैव टू लुक फॉर द नाउन फ्रेज ठीक है तो फिर आप उसको लिखेंगे द कैपिटलिस्ट क्लास क्लास इज अ नाउन एंड द कैपिटलिस्ट इज वन नाउन फ्रेज सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ठीक है दिस इज इंटायरली अ नाउन फ्रेज वर्किंग क्लास इज अ नाउन फ्रेज सो वर्किंग क्लास इज अ नाउन फ्रेज में भी वो क्या है ठीक है फर्दर यानी कि जेरेंड से बनी है किस तरह बनी है इसके साथ हमने जेरेंड ऐड किया वर्किंग लगाया सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट वी डू जब आप उसको आप डिटेल के साथ देखते हैं देन यू स्कैन इट स्कैनिंग करते हैं ढूंढते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ग्रामर सीखने के लिए हम करते हैं बट अपार्ट फ्रॉम लर्निंग ग्रामर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो क्वेश्चन हम अडॉप्ट करते हैं दे वी हैव टू अडॉप्ट दीज टू स्ट्रेटजीज when you are going to get a central idea general idea of the entire passage then we have to skim aur jab aapne questions ke jawab dene hain main idea ke alawa question ke jawab dene hain then you have to scan main agar if you are going to write a summary then you can skim first line ko aap dekh ke andaaza laga sakte hain but scan mein kya karna hai aapko sawalon ka bataya gaya aap unka jawab denge so this is skimming process that we did so now we are going to look at scanning सो स्कैनिंग क्या चीज़ है किस तरह ढूंढना है किस तरह करना है दैट विल बी डिस्कस्ड बाय होम अली हामिद वांट्स टू टेल अस अबाउट स्कैनिंग यस अली हामिद प्लीज बताइए आप कोई मौका देते हैं सर रीडिंग हाँ इस स्लाइड को रीड करिए स्कैनिंग इज द एक्ट ऑफ सर्चिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन अ टेक्स्ट with a particular approach yes okay just a minute for instance just a minute so you have to search particular information in a text with a particular approach two things one is particular information and definitely for any particular information you have to apply a particular approach baaz ba koi aur approach hoti har situation mein approach change hoti hai yaad rakhiyega directory ke andar aapko phone number dhoondna pade to aap kis tarah dhoondenge डिक्शनरी के अंदर आपको अगर मतलब ढूंढना पड़े तो आप किस तरह ढूंढेंगे सो दैट इज लाइक दैट चलें पढ़ें जी आगे फॉर इंस्टेंस इफ यू वांट टू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्चुअस फ्रॉम अ डिक्शनरी यू विल स्टार्ट सर्चिंग द लेटर वी फर्स्ट देन आई एंड देन आर बाय देन यू प्रोबेबली विल हैव फाउंड द वर्ड This process of searching is called scanning. It is a technique of fast reading. So this is a technique of fast reading that you have first you have to look at V, then I, then R, virtuous. ठीक है? Why we scan? Basically, when we are going to search for a word in a dictionary or index, we scan. When we are going to find a phone number in a telephone directory, we are going to find an address. Then we scan. If we are going to check the time schedule of a program in an agenda, then we scan. Means के हमारे ज़हन में पहले से एक चीज मौजूद होती है कि मैंने ये ढूंढना है. So we are going to find out specific piece of price of a specific item in a catalog. उसके लिए आप scan करते हैं. Particular information किसी text के अंदर होती है, उसको आप scan करते हैं. उसको ढूंढते हैं. जैसे मैंने बताया कि exam schedule is announced and it is displayed on the notice board so you scan for what you scan for psychology then you scan for your section and then you scan for the schedule wo sare ka sara aap nahi padhte aap usi ko scan karte psychology ko dhoondo ye hai ji psychology acha isme ab ye hai ji second semester aur ye hai ji b walon ka schedule isi tarah dhoondte hain so we do scanning okay so how you have to scan You have to underline the important information while reading the text, like dates, numbers, and names. You have to underline them. Scan करते हुए क्या होता है? You underline dates. When you are going to read the book, when you are going to study the material provided by your other teachers,
जो कोर्स के टीचर्स होते हैं जब वो देते हैं, तो आप यही काम करते हैं, अंडरलाइन करते हैं चीज़ें स्कैन करके, ये इस टॉपिक का जवाब है। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन अ क्वेश्चन ऑनलाइन, जब आपके एग्जाम हुए तब भी आपने स्कैनिंग की थी, आपको कहा गया था कि आप इस सवाल का जवाब लिखें, सो दैट वॉज एन ओपन बुक एग्जाम एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स, यू हैव टू राइट द आंसर, सो यू स्कैन योर बुक्स, आपने उसमें से ढूंढे, फर्स्ट यू रेड द क्वेश्चन, देन आइडेंटिफाई द की वर्ड्स, देन स्कैन द टेक्स्ट फॉर इट, सो दिस विल इन दिस वे यू विल फाइंड द आंसर मोर क्विकली। ठीक है, कैसे करना है, आपने सवाल क्या पूछा गया, उसमें क्या बात पूछी गई, उसके हिसाब से टेक्स्ट ढूंढा गया और फिर आपने जवाब दिया। ये काम किया था मिड टर्म पिछले सेमेस्टर के अंदर या कोई नया काम किया था? हाँ जी सर, नया काम किया था। यस सर। क्या नया काम क्या किया था, मुझे भी बता रहे हैं। सर नहीं बता सकते। अच्छा बताएंगे तो मुझे, वैसे मुझे पहले ही पता है, बेफिक्र रहे, अगर मैं अगर अटेंडेंस का बंदोबस्त कर सकता हूँ तो बाकी चीज़ों को भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। बिल्कुल बेफिक्र, इफ 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 यूनिवर्सिटी आस्क मी टू कंडक्ट ऑनलाइन पेपर, सो डोंट वरी, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय अटेम्प्टिंग योर पेपर द वे यू हैव एंजॉयड योर अटेंडेंस, यू विल एंजॉय अटेम्प्टिंग योर पेपर। ऐसी कोई बात नहीं, देखें एज वी आर गोइंग टू टेस्ट योर लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट सारे के सारे जो चोर दरवाजे वो बंद होने चाहिए ना, तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेफिक्र, अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ने कहा तो बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम आपका। सर एक्सप्लेन तो करें, चोर दरवाजे हैं कौन से? मैं वैसे हमारे पास कौन के दरवाजे हैं ऑन कैंपस है, कोई मसला ही नहीं था, फिर जो करता नकल तो कोई इशू नहीं है, मुझे पता है किसने किया है, सो मैं आराम से फिर बैठ के उसके उसको ग्रेड कर लेता, कोई परेशानी थी। एनी वेज लेट्स मूव फर्दर, ठीक है, अपने पते इस तरह नहीं खेले जाते, आपको नजर आ जाएगा, आप बेफिक्र रहें, आप मेहनत करें, मेहनत करने वाले का जो है कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये याद रखिए, कोई भी नुकसान, जो चोर दरवाजे से आने की कोशिश करेगा वो नजर आ जाता है ये चोर दरवाजे से आया है। ओके सो लेट्स स्कैन, वी आर गोइंग टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, ठीक है, सो लुक एट दिस स्लाइड वंस अगेन, वी हैव गॉट द सेम आर्टिकल ओवर देयर एट द स्क्रीन एंड वी हैव स्कैन्ड इट फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैपिटलिज्म, फर्स्ट इज कैपिटलिज्म एंड सोशल सिस्टम, सो इट मेक्स कैपिटलिस्ट एंड इट इज What it is meant for profit, ठीक है, तो ये खास चीज़ें फिर हमने ढूंढी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है उसकी बेस पे आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, ठीक है, सो लुक एट दिस वन हियर, वी आर गोइंग टू डू स्किमिंग एंड स्कैनिंग बोथ, सो हु इज गोइंग टू रीड द प्रेजेंटेशन, आई वुड रिक्वेस्ट हिरा आफाक टू रीड दिस स्लाइड। सर मुझे आपकी स्लाइड ही नहीं शो हो रही। चलें ओरेंजिया प्लीज, आप आपकी पिक्चर शो हो रही है। ओरेंजिया आप पढ़िए जी। ओरेंजिया प्लीज आप पढ़िए। सर मैं पढ़ दूं? पढ़े पढ़े। सर मैं पढ़ू, मैंने निकाल ली है। चलें इरा पढ़े जी, इरा नहीं पढ़नी थी असल में उसके बारे। The new historism that historians can articulate a unified and internally consistent worldview of any given people, country or time period and can reconstruct an accurate and objective picture of any historical event are key assumptions that cultural politics challenge, poetic challenges. Appearing as an alternate approach to textual interpretation in the
1970s and early 1980s. Cultural poetic often called new historicism in America and cultural materialism in Great Britain declared that all history is subjective, written by people whose bases affected their interpretation of the past. History asserts cultural poetics can never provide us with the truth or give us as 8 minutes here. Gives us as a totally accurate picture of past events, not the world view of a group of people. This avoiding the old historicism, autonomous view of history, cultural poetics declared that history is one of many discourses or ways of seeing and thinking about the world. So I have highlighted the sentences that we are going to skim, means that we are going to look for the words that what is the text about. So the text is about cultural poetics, often called new historicism in America and cultural materialism in Great Britain. So this is what the text is talking about. And we are going to look for the specific information. All history is subjective. History is one of many discourses. So we are looking for a specific information related to history, that what is basically the writer is talking while writing about the new historicism, that it is related to history. And he gives an opinion that all history is subjective. History is one of many discourses. So blue mein jo likha wo, that is skimming, or jo green mein highlighted hai, that is scanning. Dono strategies humne adopt ki. So look here, this is going to be the one of the last slides, and inshallah we'll be completing our slide and then we'll be having an exercise. Skimming and scanning. Skimming is basically letting your eyes over a piece of writing to get an idea of what it is all about. Aapke paas text hai, poster pe, advertisement pe di gayi hai. तो अगर आप उसको देखते हैं क्या आपके लिए कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, सो यू जस्ट स्कैम इट. वेयर एज स्कैनिंग इज यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग थ्रू द टेलीविजन शेड्यूल टू फाइंड आउट व्हेन पीएसएल फाइनल विल बी ब्रॉडकास्ट. ठीक है, जिसको शौक है क्रिकेट का तो वो ढूंढेगा किस वक्त फाइनल हुआ होगा या ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीजें. ठीक है, सो स्कैनिंग मीन्स टू लुक क्विकली फॉर वन थिंग इन पर्टिकुलर. Whereas skimming means to read quickly to get the idea in general. ठीक है, दोनों में, in skimming and scanning, in both we apply speed reading strategy. Speed reading basically, we have to look at the things quickly. So while scanning, we have to look for one thing in particular. Whereas we have to get the general idea while scanning, skimming. ठीक है, एक चीज जब ढूंढेंगे तो स्कैन हम स्कैनिंग करेंगे. कोई एक इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए बैठे हैं, लेकिन पूरे टेक्स्ट का आइडिया लेंगे तो स्किमिंग करेंगे. इसमें क्या है, जस्ट एक स्किमिंग करेंगे. इसी स्किमिंग की बेस पे जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, आप सारे का सारा अखबार नहीं पढ़ते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन न्यूज पेपर टू रीड, लेकिन आप वहां पर क्या करते हैं, आप स्किम करते जाते हैं. अच्छा इसमें ये लिखा हो, ये अच्छा इसमें ये बातें होंगी, ये होंगी, ये होंगी, और उसमें कोई स्कैनिंग की रिलेटेड बात है, जैसे मैंने बताया एग्जाम की शेड्यूल की बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपसे इंटरेस्टिंग है, तो फिर आप उसमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं. और इसी स्किमिंग की फिर आउटपुट क्या है कि आपसे पूछा गया, हाँ जी इस अखबार में क्या लिखा हुआ, बताते हैं बस इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ ये एग्ज़ाम का शेड्यूल आया हुआ है, बाकी चीज़ें चूँकि आपने स्किम किया हुआ आपके काम की नहीं थी, यू लेफ्ट ऑल द थिंग्स बिहाइंड. जनरल आइडिया आपको मिल गया, जी आज बस ये खबरें, इलेक्शन हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये बला बला, आपने उधर ही बात खत्म कर दी. ठीक है, सो लुक एट दिस स्लाइड, एंड दिस इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी. व्हाट इज फोबिया, पहले हम फोबिया के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज फोबिया, नॉट सोबिया. ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये फोबिया है, सोबिया नहीं है. अगर हमारी क्लास में कुछ सोबिया है तो प्लीज वो नाराज ना हो. ठीक है जी, ये पढ़ेगी जनाब रोमा जावेद. ये स्लाइड पर जी, रोमा जावेद प्लीज पढ़िए. फोबिया इज एन इंटेंस फियर और फीलिंग ऑफ एंजाइटी दैट अकर्स ओनली इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन दैट फ्राइटन्स यू. दिस माइट बी समथिंग एज सीमिंगली लोकल एज अ फियर और हाइट्स और एज इलॉजिकल एज अ fear of the color green. At other times, you don't feel anxious. For example, if you have a phobia of spiders, as millions of people do,
यू ओनली फील एंशियस व्हेन देयर इज अ स्पाइडर अराउंड, अदरवाइज यू फील फाइन. तो आगे पढ़ें. पढ़े पढ़े. About 1 in 10 people has a significant phobia, although few people seek treatment. People develop phobias to all sorts of things. Each phobia has its own name. Some of our very long list include mesophobia, fear of mice, cladophobia, fear of bald people, and emetophobia, fear of dust, sneagophobia, fear of choking or smothering. Mesophobia, fear of childbirth, homiclophobia, fear of dog, arachnophobia, fear of peanut butter sticking to the roof of the mouth. Phobias make people avoid situations they know will make them anxious, but this can make the phobia worse. A person's life can become increasingly dominated by the precautions they take to avoid a situation they fear. You may know there's no long danger and you may feel embarrassed by your fear, but you are still unable to control it. It's better to confront your fears, even if it's a very careful way or with the help of a trained therapist. A phobia is more likely to go away if it began after a distressing or traumatic event. What is the treatment? Cognitive behavioral therapy. A talking treatment where you learn all about the thing or situation you are scared of and how to change your behavior has a high success rate in phobias. Your GP can refer you. So now we are going to do an exercise, right? This is basically a passage that I have already given to you on Google Classroom. ठीक है, वहां से इसको डाउनलोड करें, एक्सरसाइज को, लुक एट द एक्सरसाइज, एंड बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज I'm going to have a recap on skimming and scanning, and after that we'll be doing the exercise. ठीक है, आप उसके बाद you will be having sufficient time to do the exercise. दो techniques हैं that will help you to get a general idea of the text that you have in front of you in a faster way. तेजी से आपने देखना है चीज़ों को. Skimming में क्या करना है, you have to search for the main idea of the text. You have to identify key concepts, data and key dates. This is very effective, especially when you are going to review the material that has already been studied previously. पहले से आप पढ़ चुके हैं उसको आप रिव्यू कर रहे हो. सो इस टेक्निक के साथ आपने स्कैनिंग करनी है, स्कैन करना है. दिस इज अनदर मेथड ऑफ स्पीड रीडिंग. टेक्स्ट आपके पास है, यू लुक फॉर अ नंबर इन अ फोन बुक. यू डू नॉट रीड ऑल द नेम्स, बल्कि आप एक पर्टिकुलर नंबर को ढूंढते हैं. स्कैनर लगा के आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं. लोकलाइजेशन एड के तौर पे काम करते हैं. यू लुक फॉर फिगर्स, डेट्स और की फ्रेजेस दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन अ गिवन टेक्स्ट. सो इन दिस पैसेज फॉर दिस पैसेज आई हैव गिवन यू 10 क्वेश्चंस एंड यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम. यू हैव गॉट 20 मिनट्स टू लुक फॉर द एंटायर एक्सरसाइज एंड आफ्टर 20 मिनट्स इन द लास्ट 5 मिनट्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट आंसर्स. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड द एक्सरसाइज अवेलेबल एट गूगल क्लासरूम एंड find out the answers of the questions given at the end. We have read the phobia, what is a phobia and what's its treatment. Now you have to look at the questions and after that we'll be having it a complete lecture. Koi question is related hai to bata dein, otherwise you are advised to go for the exercise. Koi question skimming and scanning se related hai to please poochiye, warna exercise start kijiye. Do you have any question? Yes, I have already uploaded a PDF file, so you can download it from Google Classroom, please. ठीक है? सर मेरा Google Classroom open नहीं हो रहा. Because you didn't join the Google Classroom, that's why it's not opening. Did you add your? सर मैंने join किया है. Then why it's not opening? कोई दूसरा इसको WhatsApp पे share कर दे जी. Anybody else can share? लेकिन सर last कल में जी
सर मेरी जो असाइनमेंट्स थी ना वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन वो उस पे जो फॉर्म के साथ सबमिट करानी थी वहां पे सबमिट नहीं हो रही थी, तो मैंने वो मतलब गूगल क्लासरूम पे अलग अलग करवा दी थी। हो गई होंगी, हो गई होंगी, सो डोंट वरी, हो गई होंगी, रिसीव्ड हो गई होंगी, जिसकी नहीं होंगी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। दैट इज बेसिकली दिस इज नॉन ग्रेडेड असाइनमेंट, दिस इज अ होमवर्क, इंशाल्लाह आई विल बी चेकिंग इट, आई विल बी गिविंग यू फीडबैक, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, बिकॉज उसमें हमने यही सीखना था दैट वर्क वॉज नॉट मैंट टू पनिश यू, मैंने पहले भी बताया वो सजा नहीं थी, बेसिकली ये है कि आपको अपनी सीवी खुद बनानी आ जाए, कवरिंग लेटर खुद लिखना आ जाए, यू दो सो यू शुड नॉट गो टू समबडी एल्स, कोई वो जो गली मोहल्ले में बैठे हुए बाबे होते हैं उनके पास अपने डॉक्यूमेंट उठा के ना जाएँ, यू शुड राइट योर ओन सीवी एट योर ओन, खुद से आप प्रैक्टिस करें, ये इसलिए करवाया जाता है, इसलिए नहीं होता कि आपको सजा दी गई है, काम इसलिए नहीं दिया जाता, बेसिकली आपको प्रैक्टिस करवानी होती है, सिखाना होता है, ठीक है। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ, ठीक है, दैट इज अवेलेबल, जिसके पास नहीं है। हाँ जी 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 बोलिए। आप जवाब ढूंढने 2 मिनट लगेंगे जवाबों पे, आप कॉपी पे लिखें किधर अभी जवाब देने आपने, बस ठीक है। सर मेरी बात सुने, इसको सारे को हम वर्ड पे अटेम्प्ट करके शेयर करनी है क्या, मुझे समझ नहीं आ। आप अपने जवाब लिखें, आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू गिव योर आंसर्स, ठीक है, कि 10 के 10 के हम सवाल पूछेंगे, भाई क्या जवाब है आपका आप बताएंगे, ठीक है, दैट विल बी लाइक दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर, आप पढ़ें उसके बाद जवाब अपने पास नोट करें, टिक करें कौन सा जवाब किसका ठीक है। मिड टर्म का तो मैंने बता दिया था सिलेबस का, अब मुझे तो अभी याद भी नहीं है, जिसने लिखा हुआ कार्डिन के साथ शेयर कर दें जी, मैंने शायद बताया था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, बॉडी पैराग्राफ होगा एक, और पैरेलल स्ट्रक्चर पे रिसेंट किया हुआ है ना ग्रुप में सारों के, उसमें इंग्लिश का भी है। पैरेलल स्ट्रक्चर्स की नोट्स नहीं है, एफटीपी पे भी नहीं है, कैन यू पोस्ट इन गूगल क्लासरूम। किसके किसके इंस्ट्रक्शंस, किसके पैरेलल स्ट्रक्चर, किसकी इंस्ट्रक्शन, पहले स्ट्रक्चर्स के नोट्स नहीं शेयर हुए? ओके, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू राइट नाउ आफ्टर ड्यूरिंग द क्लास, में इसको पूरी पूरी जो लेक्चर है पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन आई विल बी शेयरिंग देयर, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर हैज गॉट अ प्रॉब्लम, लास्ट पे नहीं हो सके, प्रेजेंटेशन शेयर हो जाएगी आपके साथ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा ठीक है, इट विल बी शेयर विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स, बस थोड़ी देर बाद, दैट्स गुड, आपने बताया एंड आई लाइक इट, कि इसका ये फ़ायदा होगा बाकी लोगों को भी, अभी जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू द एक्सरसाइज, ठीक है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ तक नोट्स है, उसके बाद जो ठीक है, उसका भी लेक्चर रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, बट एज वी डोंट हैव अ सफिशिएंट डेटा एक्सेस फॉर द अपलोडिंग ऑफ दैट मटीरियल, वो यूनिवर्सिटी से ही होगा, लेकिन मैं उसके साथ साथ आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ जो गूगल क्लासरूम के अंदर जो हमने ऐड करनी है ना, the one that is related to your lecture, your paper, so I'm going to share it with you right now, thodi der mein inshallah it will be available, so don't worry. सर मैंने कर लिया है। ओके प्लीज बाकियों को भी कर लेने दें, लेट द अदर्स डू।
सो वंस इट विल बी डन हम सारे मिल के फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है?